ईडी को लेकर क्या कहेंगे जो लगातार देखिए मंत्री जी लगातार ये देखिए एक तरफ ईडी दूसरी तरफ आईटी को अस्थिर करने के लिए जो प्रयास चल रहा लग रहा है अखबार रणनीति क्या लग रहा है कि बीजेपी की रणनीति के साथ जो है अखबार आप देखे होंगे हमारे विपक्ष के लोग झारखंड में निराश हो चुका है हेमंत सोरेन के कार्यक्रम से और सरकारी मशीनरी लगा दिया बेरमो में देखे होंगे भाजपा का स्टिकर लगा के गाड़ी जा रहा है बेरमो विधायक के बताइए देखिए ये क्या है ये क्या दर्शा रहा है जब लोग देखा तो अपने सुचार रहा है पोस्टर ये तो दुर्भावना से ग्रसित है ईडी चाहे कोई भी जांच एजेंसी स्वतंत्र है किसी भी कर सकता है कोई भी आदमी जा सकता है चाहे नेता हो पत्रकार हो चाहे उद्योगपति हो चाहे कोई भी है हम तो उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी बोले मंच पर यदि हम गुनाहगार हैं तो जेल भेजो नोटिस क्या करते हैं सम्मान पर चोट क्या पहुंचाते हैं अरे भागने वाला चीज़ है मुख्यमंत्री आज यही धनबाद है धनबाद ऐसा जगह से झारखंड मुक्ति मोर्चा जन्मा और पूरे झारखंड में अभी है ना धनबाद ऐसा जगह में इसलिए जांच चाहे कोई भी स्वतंत्र है करना है क्या रोकेगा उसको राज्यपाल जी लिफाफा नहीं खोल रहे उनका आप उनसे पूछिए ना शिक्षा शिक्षा के लिए क्या नया सोच रहे हैं आप शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लोग काफी परेशान हैं देखिए ये लेवल जो है स्थानीय मामला है कहाँ नहीं मिला उसके लिए एमओ है उसके लिए एसडीओ है डीसी है यदि नहीं सुनता है तब सरकार है सरकार सबकी बात सुनेगा आपके आप बोल रहे हैं ऑथेंटिक दीजिए कल कार्रवाई होगा सच्चाई आवंटन नहीं आ रहा है तो भारत सरकार एफसीआई देगा तब ना बांटेंगे आप लोग अपने स्तर से क्या प्रयास कर रहे हैं हम लोग हम लोग फिर भी पूछना जरूरी है नहीं अच्छा बात है आपका सुझाव आना चाहिए जो गरीब का हित का मामला है आना हम इसलिए चाहे कहीं का पत्रकार हो हम सम्मान करते हैं पूर्ण रूप में बंद है यदि कहीं चालू है वहाँ टोल फ्री नंबर है कोई समझौता नहीं टोल फ्री नंबर में खोल दीजिए कार्रवाई नहीं होगा तो जिम्मेदारी जिला ठीक क्या क्या कौन कौन चीज चाहिए